मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने की अनूठी पहल, हाथों में मेहंदी के माध्यम से दिया जागरूकता का संदेश। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दुर्ग जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्वीप के बैनर तले मंगलवार को दुर्ग के खालसा स्कूल में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बीएड के अलावा शहर के सभी कॉलेजों की छात्राओं ने हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग के अमित घोष ने बताया कि मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेहंदी के माध्यम से संदेश देने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें दुर्ग भिलाई के लगभग 19 कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा इस आयोजन में हिस्सा लेकर आम लोगों के बीच मतदान को लेकर जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया गया और आगे भी मानव श्रृंखला और घर घर जाकर हल्दी चावल देकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने की बातें कही गई। मेहंदी के कंपटीशन में हम वोटिंग को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक अधिकार होता है कि वो अपने जिनको भी अपने लिए वो इम्पॉर्टेंट मानते हैं उस जो लीडर है उनको आप वोट कर सकें, ताकि आपको सारी सुख सुविधाएं जो आपको है वो आपको मिल सके समय पे। मैंने अपने मेहंदी पे डिसेबल जो पीपल होते हैं उनके लिए भी बनाया है, क्योंकि डिसेबल पीपल के लिए अभी जो सरकार है हमारी उनके लिए एक अलग स्कीम लेके आई है कि आप वहाँ पर लाइन में नहीं लगेंगे, आपको व्हीलचेयर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके वोट कर सकते हैं। मेरे लिए वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि महिलाएं वोट ना देने के लिए मतलब काम वाम के उलझन में फंस जाती हैं और वोट नहीं दिला पाती, तो उनके लिए भी मैंने उनको सूचना देने के लिए ये मैंने मेहंदी लगाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग नागरिक लोग मौलिक कर्तव्य को नहीं जानते, वो अपने मौलिक कर्तव्य को भी जाने कि वोट देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे मेहंदी से ये मैसेज जाएगा कि कभी भी हमें वोट पैसा लेके नहीं देना चाहिए, हमें अपने हिसाब से जिस पार्टी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से हमें वोट देना चाहिए। वोट एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये पहला अधिकार है जो हम लोग को 18 साल की उम्र में मिलता है। आज इस खालसा कॉलेज में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से जितने दुर्ग भिलाई के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चों की मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, और इस मेहंदी प्रतियोगिता का मेन थीम था वोटर अवेयरनेस का, और इसमें बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत जो है मैसेज संदेश दिया है लोगों को कि कौन कौन से वर्ग जो वंचित होते हैं वोट देने से उनको तक बनाया है, जैसे हमारे जो दिव्यांग जन हैं उनकी तक उन्होंने उसमें बनाया हुआ है कि उनको किस प्रकार से वहाँ पहुँचना है वोट देने के लिए, जो महिलाएँ जो घर पर रहती हैं जो वोट देने नहीं जाती हैं उनको भी उन लोगों ने चित्रित किया अपने मेहंदी में, और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है इस मेहंदी के माध्यम से कि हम किस प्रकार से हमको वोट देने जाना है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये रही कि जब हमने इनसे पूछा कि आप इसको सिर्फ अपने हथेली तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो इनका कहना था कि नहीं, हम इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको हम ट्विटर पर डालेंगे, इसमें इसको हम स्टोरी के रूप में डालेंगे ताकि पूरे जन जन तक हमारे इस मेहंदी से मैसेज पहुँच सके। दुर्ग के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें मानव श्रृंखला मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के फॉर्मेशन, और इसी कड़ी में ये मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें बीएड के बच्चे मेहंदी में के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें मतदान का उपयोग करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य और अधिकार दोनों हैं। अलावा हम एक पाती मतदाता के नाम भी होने वाला है, जहां पे बच्चे मतदाताओं के नाम पत्र लिखेंगे, फिर घर घर जागो वोटर जागो करके घर घर दस्तक भी दिया जाएगा, फिर लास्ट में हम पीले चावल से मतदाताओं को निमंत्रण भी करेंगे कि मतदान करने के लिए अवश्य आइए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।